टीकमगढ़ में कोरोना वायरस की जांच अब जिला चिकित्सालय में की जाएगी। शहर में इसकी सुविधा शुरू होने से कम समय में जांच हो जाएगी। बताया जा रहा है कि शुरुआत में सिर्फ 20 से 25 जांचें ही की जाएंगी और इस पर आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी। टीकमगढ़ में जिला स्तर पर कोरोना टेस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला चिकित्सालय राजेंद्र हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की विधिवत जाँच की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर जोएब खान की पदस्थापना टीकमगढ़ में की गई है, जिनकी निगरानी में जांच की सुविधा शुरू होगी। गौरतलब है कि अभी तक जांच सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में की जाती थी, जहां 4 से 5 दिन का समय लगता था, लेकिन शहर में इसकी सुविधा शुरू होने से मात्र 40 से 50 मिनट में जाँच हो पाएगी। उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अभिनती कर जो जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर है पूरा लैब की स्थापना की है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लॉग इन आई डी मेडिकल तक आने के बाद उसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट की स्क्रीनिंग टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। लगभग एक दिन में कितने लोगों की जाँच हो जाएगी? इसमें लगभग एक दो दिन में 20 से 25 लोगों का टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद उनको प्राइमरी रिजल्ट पता चल जाएगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। कितना समय लगेगा जांच में? एक जांच में 40-50 मिनट लगता है पूरी प्रोसेस में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।